बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी कमेंट में जरूर बताना, मैं तो अच्छी हूं। और यहां पे पता है क्या हो रही है, बहुत सारी आज हम लोगों ने मस्ती की है। और ये मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत आता था ना ढोलक बजाना, वो भी मेरे से अब नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया, और मैंने मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैंने ढोलक बजाया ही नहीं है, मेरे पास यहाँ पे था ही नहीं, तो इसलिए तो अभी जो है मुझे लग रहा है इसी वजह से शायद पता नहीं क्या हुआ मेरे से, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं केवल ऐसे पीट रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा था रियल वॉइस के साथ ऐसे ही अपलोड करूंगी, तो अपलोड किया भी एक बार रात को किया, उसमें बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। सुबह तक मैंने इंतजार किया, बार बार टाइटल भी चेंज किया, और इसके बाद जो है फिर मैंने मोटिवेशनल टाइटल डाला, लेकिन फिर भी जो है नहीं हुआ, तो मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। क्योंकि जब ये सब चीजें जो मैं कर रही हूँ वो आप सभी को रियल दिखाऊंगी हम क्या कर रही हूँ, तब अच्छा लगता है। तो इसलिए बहुत सारा हम लोगों ने मस्ती किया था, लेकिन इसमें जो है नहीं आया, मतलब नहीं हो पाया, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। लेकिन क्या करूं, लेकिन मैं सीखूंगी अभी फिर से। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है कि मतलब जितना मुझे जरूरत थी ना कि मतलब जैसे हमारे घर में छोटा मोटा फंक्शन हो तो उतना मैं बजा लेती थी, लेकिन अभी मेरे से पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन अब मैं एक दो घंटे और जो है कोशिश करूंगी कि मैं सीखूं, और क्योंकि यहाँ पास में कहीं नहीं सिखाया जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत दूर जाना पड़ेगा। मतलब बहुत दूर क्या, तभी एक किलोमीटर जाना है तो एक किलोमीटर बहुत दूर है। दूर इसलिए है क्योंकि नमन का भी टाइम से जैसे स्कूल अब उनको छोड़ के आते हैं, घर का काम अपना करते हैं, फिर उनका लाने का टाइम होता है, ट्यूशन भेजना होता है, तो इस वजह से जो है टाइम नहीं बच रहा है, तो इसलिए। लेकिन मुझे सीखना है, वही कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो वही चीज है, सीखना चाहिए। मैं कोशिश अपनी तरफ से करूंगी, अगर सीख जाऊंगी तो ठीक है, नहीं सीख पाऊंगी तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ढोलक बजाना, और मैं किसी को देखती हूँ कि हाँ ढोलक बजा रहे, तो मुझे बड़ी मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। और मुझे खुद नहीं आ रहा है, जो आता था वो भी नहीं मेरे से हो रहा है ऐसा, पता नहीं, जबकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, जो आता है वो आता है, कभी बोलते नहीं है, मेरे तरह कोई नहीं है, लेकिन मेरा हाथ पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए वो थी, लेकिन फिर भी अपना जो है ऐसे ही करके मैं खुश हो रही थी, मेरी बहन हंस रही थी, कह रही है ये कौन सी ढोलक है और क्या बजा रही हो, कुछ समझ नहीं। मैंने कहा भाई अब मुझे डीमोटिवेट मत करो, मैं सीखूंगी और सीख जाऊंगी ना, फिर आप सभी को मैं सुनाऊंगी। और जो है बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वही कहते हैं ना कोई चीज जब करो और वो अच्छे से मतलब उसको जब हम कर ले जाते हैं तो और ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन वही चीज जब ठीक से नहीं कर पाते तो थोड़ा सा मतलब अजीब तो लगता है। लेकिन कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई भी चाहे जो, अगर कोई चीज कोशिश करता है ना तो उसको ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो पाए, सभी कर ले जाते हैं और मैं भी कर ले जाऊंगी। यहाँ पे मुझे ये भरोसा है कि मैं कर ले जाऊंगी, मैं सीख ले जाऊंगी, क्योंकि जो चीज अगर आप मन लगा के करते हो ना, मन से करते हो, तो वो चीज आपको जरूर मतलब आएगा, उसमें आप सक्सेस हो जाओगे, ये मुझे पता है। और मैं अकेले ऐसे ही नहीं आ रहा था सही से, तब भी मैं अपना गुनगुना रही थी, खुश हो रही थी, भाई ऐसा नहीं, पहले ये नहीं सोचना चाहिए ना कि हाँ इसको हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कुछ तो था नहीं, लेकिन हाँ मैं जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर किया है, तो आप लोग जो है अपना सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, बाय बाय।